हेलो दोस्तों, मैं सानवास शेख, वेलकम टू पूर्णिमा ऑटोमीटर ईसीएम रिपेयर एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, आज हम लोग के पास जो गाड़ी आई हुई है वो है हमारी ऑडी Q5 2.0 TDI इंजन। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम वो ये है कि गाड़ी इजीली स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसका जो हीटर लाइट है वो ब्लिंकिंग हो रहा है। यहाँ पे जो हमको फोल्ड कोड दिख रहा है वो है फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू हाई। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है तो ये फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये जो व्हीकल है वो हमारे एक वर्कशॉप से आई हुई है, जिसमें इन लोगों ने इनके इंजेक्टर भी चेक करा लिया है, इसका डीजल पंप भी चेक कर लिया है, प्लस इसका जो कॉमन रेल आता है पूरा कॉमन रेल भी दूसरा डाल के वो लोग चेक कर चुके हैं। तो फाइनली उनको पता चला कि प्रॉब्लम ECM में आई है, और ECM रिपेयरिंग के लिए ये हमारे पास आया हुआ है अभी। तो चलिए, अभी हम लोग इसका ECM रिपेयर करेंगे। ECM डायग्नोज करने से हमको ये पता चला है कि ये IC जो है वो डैमेज है, अभी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, ये हमारा ECM रिपेयर हो चुका है, आइए अभी हम लोग इसको व्हीकल में फिक्स करेंगे और देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। आइए दोस्तों, अभी हम लोगों ने हमारा जो ECM रिपेयर किया है वो हम लोगों ने गाड़ी में फिट कर दिया है, और आइए अभी हम लोग चेक करेंगे हमारा कार जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे हमारा जो कार है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपका हीटर लाइट आके चला गया। दोस्तों, आप देख सकते हो जो हीटर लाइट हमारा ब्लिंक कर रहा था वो टोटली अभी चला गया है, किसी भी तरह का कोई लाइट नहीं आ रहा है। उसी तरह से भी हम लोग इसका गाड़ी भी डायग्नोस करके देखेंगे कि हमारा जो फोल्ड कोड है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, भी आप देख सकते हो नो ट्रबल कोड आ रहा है। तो हमारा ये जो ऑडी Q5 का काम था वो सक्सेस हो चुका है, और इसी तरह के जितने भी प्रीमियम ECM वगैरह है हम लोग वो रिपेयर करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसका ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी मैकेनिक भाई ये काम सीखना चाहता है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आप को अपडेट करना चाहता है, वो पूर्णिमा ऑटोमीटर रिपेयरिंग ECM ट्रेनिंग हब को कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।